हरियाणा। 66 से पहले ये जमीन थी तो, पर हमारी पहचान सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के तौर पर ही थी, जो विस्तृत पंजाब की घेरेबंदी के ही अंदरूनी हिस्से के तौर पर जानी गई। हमारे लोग, हमारा खाना और हमारी संस्कृति सब अलग था, लेकिन फिर भी हमारी तहजीब को पंजाबी संस्कारों का हिस्सा माना गया। लेकिन हम अलग हैं, ये आवाज बुलंद हुई एक लंबी जद्दोजहद के बाद। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म होता है। यही जन्मदिवस अब हर साल इसी दिन यानी 1 नवंबर को पूरे हरियाणा में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने भी हमारे हरियाणा का जन्मदिवस दूर दूर से आए लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। जन्मदिवस है, सेलिब्रेशन तो होना ही था। तरह तरह के खाने, ड्रेसेस, डांस और ट्रेडिशनल आइटम्स की झलक लोगों को देखने को मिली। विकास की दौड़ से उठी धूल में अदृश्य होते कलाकार और उनकी कलाकारी भी। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 और 2 नवंबर को विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणा उत्सव के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के जो टिपिकल वर्ड हैं उन पे। हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग प्रोग्राम में आए हैं उनको जो हरियाणवी टिपिकल वर्ड हैं उनकी कितनी नॉलेज है। इस फनी कवरेज पर अभी हम सब निकल रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी बच्चे जयकारा लगाएंगे हरियाणा का। 1, 2, 3 जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणा एक। चलिए चलते हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलूंगा, आपको वो बताने कि आपको हरियाणा में वो कैसे बोलेंगे उसको। पूछते हरियाणा के कुछ फेमस डायलॉग और कुछ फेमस वर्ड बताइए। आड़े का मतलब, आड़े का मतलब क्या होता है? गीला। आड़े का मतलब, इन्होंने कहा गीला, बिल्कुल गलत। आड़े का मतलब गीला नहीं होता। वाइफ को क्या बोलेंगे? वाइफ को क्या बोलेंगे? बहू। वाइफ को बड़क है। सिस्टम वाला डायलॉग बोल दो मैम। रोक दे मित्र। मैम एक से पहले डायलॉग बता दीजिए फेमस, एक डायलॉग। क्या तगड़ी माचे है, क्या तगड़ी माचे है। आड़े का मतलब क्या होता है? आड़े का मतलब आरा, कटन वाला। आड़ा नहीं, वो आरा होता है। मैम आप एक फेमस डायलॉग बोल दो, सिस्टम वाला, जो आज जोरों से चल रहा है। सिस्टम वाला डायलॉग बोल दो मैम। रोक दे मित्र। मैम एक से खुंटा का मतलब क्या होता है? जिसके साथ भैंस को बांधते हैं। अच्छा जी। और हारा, हारा मतलब एक जैसे गैस, तो अपना मॉडर्न टाइम का हो गया चूल्हा, वो मिट्टी का बनता है। आड़े का मतलब क्या होता है? आड़े का मतलब, आड़े का मतलब आरा, कटन वाला। आड़ा नहीं, वो आरा होता है। आड़ा, आड़ा, आड़ा। अरे दीवार में छेद। अच्छा दीवार, अच्छा वो वाला आड़ा। पता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आरा और आड़ा में, वो दीवार में वो नहीं होते हैं। आड़ी कह दे, आड़ा कह दे, बड़ा आड़ा, छोटी आड़ी, वो हरियाणा का। चलिए पहले डायलॉग बता दीजिए फेमस, एक डायलॉग। क्या तगड़ी माचे है, क्या तगड़ी माचे है। चलिए थोड़ी सी रागड़ी और सुना दीजिए। चलिए जो कह रही है तो। कौन दे रहा बोल मेरे की वाड़ा ने तोड़े से, फटक खोल रांझे तेरी हीर हाथ जोड़े से। कौन दे रहा बोल। कल हमारा एक्चुअली सॉन्ग था तो आवाज खराब है, इतनी ही सुनाऊंगा मैं। कोई नहीं जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा जो पहला जो वर्ड है वो आइज, आइज आप सबने सुना होगा। आँख, तो हरियाणवी में क्या बोलेंगे? आँख तो हिंदी में हो गया ना। दिदे, दिदे, दिदे। स्मूथ, 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 यानी आया कुछ समझ में? नहीं नहीं, स्मूथ नहीं, स्मूथ तो स्मूथ ऐसे थोड़ा आप समझ सकते हैं उसको। मुलायम, मुलायम, मुलायम। हरियाणवी में कैसे मिलेंगे? मुलायम तो मुलायम मतलब जमाई।
वो तो हार्ड हो गया, वो हार्ड हो गया ना, गिलगिला हर है, इंटरेस्टिंग है। हां और थोड़ा ठीक है, कम हियर का मतलब क्या हो सकता है? कम हियर जैसे हम बोलते हैं ना जी, ना जी, पूरा से पूरा से पूरा से चलो भाई। और ठीक है, फिंगर का मतलब क्या हो सकता है? फिंगर आंगली, आंगली उंगली होते हैं हिंदी में, आंगली हो गया जी, आंगली। हां ये बिल्कुल ठीक है, ऊं सदी बात समझ ठीक है। गेट को हम क्या कहेंगे? गेट को किवाड़, 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 अच्छा अच्छा फॉलो किवाड़ के बाद बिजी। और भी कोई वर्ड इसके लिए हो सकता है? बरना, बरना इंटरेस्टिंग है हरियाणा में। फेस को क्या बोलेंगे? थोबड़ा, थोबड़ा, थोबड़ा जी, थोबड़ा, थोबड़ा, ये भी ठीक है। और हेयर्स को क्या बोलेंगे? बाल, 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 जंडूर, 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 लटूर, 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 आपको किसी के जंडूर लटूर दिख रहे हैं? बाबरे, बाबरे, पाट लूँगा। सही है, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था ये। और गेट आउट का मतलब क्या हो सकता है? दफा जी, चले जाओ, दफा जी। हिंदी में भी है वो, तो हरियाणवी में क्या होगा? वाइफ को क्या बोलेंगे? वाइफ को क्या बोलेंगे? वाइफ को बड़क है। आपको रही पता क्या होती है? रही दूध पिलाने की होती है। रही तो इनको तो इनको पता है रही क्या होता है? आपने कभी देखी है वो? देखिए, हमारे घर पे भी है वो, हमेशा उसका यूज होता है। आड़ा पता है क्या होता है? आड़ा किसी को आड़ा धरती को उपजाऊ बनाते हैं, पहले पशुओं से बनाते हैं। ये तो गलत है, देखो आड़ा क्या होता है? बेबी होल, होल। इन्होंने ठीक बताया, होल होता है आड़ा का मतलब। तो आपको मैं नया वर्ड देता हूँ, सांग पता क्या होता है? सांग, सांग पता क्या होता है? सांग, चलो इनको सांग भी पता है। दोस्तों अपनी संस्कृति की बात साध लिए तड़के की हरिजय संस्कृति से जुड़े हुए अपने, अपन एक मिल गया भाई जो धोती कुर्ता पहन रहा है, अपने खंडका बांध रहा है। भाई जी आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम रमन खटक है। रमन खटक जी कहाँ से भाई साहब? मैं जीनते हूँ। तो रमनदीप जी आज आप ये कल्चर अपनी पुरानी दिखा रहे हो, के सिस्टम है यू क्या दे? भाई साहब बात नु है, हरियाणवी कल्चर जमा बिगड़ता जा रहा है, जमा कसूती बरान माटी हो रही है हरियाणवी कल्चर की, पुराना सौदा सारा ये जमा जा लिया हरियाणा में। तो भाई जी आप यो रोजे पर हो गए या आज पर क्या है? पैर तो ले मैंने 20-22 दिन हो गए पर देना, तो फिर मेरी यह सोच बना है कि अगर मैं रोज पार के आऊँ यूनिवर्सिटी में या धोती कुर्ता। हाँ आपका शुरू करने ते की में बदलेगा लग है आपने? मेरे शुरू करने ते नू है, मेरी क्लास में कम तक 150 बालक है, 150 बालक कम तक 20 जने तो अलर्ट हो सके धोती कुर्ता के ऊपर। तो ईब आप यो धोती कुर्ता पहन रहे हो तो हरियाणा उत्सव मना रहे हो आप? हाँ हरियाणा उत्सव बहुत धूमधाम से मनावा जमानू की हागल रहा गात में। के प्रोग्राम चल रहे उरे कई दिन का यू? यो 2 दिन का प्रोग्राम भाई साहब, डांस होंगे जिसमें हरियाणवी कविता और अपना मान्या जाना सुना हुआ सांग होगा। 2 दिन तो हरियाणी संस्कृति दिखाई जाऊगी पुरानी, हरियाणवी संस्कृति खत्म होती जान लग रही है, आपने इसका अफसोस है? जमा अफसोस हो रहा भाई साहब, हरियाणा जमानू बदल गया, सारा सौदा जा लिया है। तो फिर ई पे जो पहला था सारे धोती दामन कुर्ते खंड गए धोती ये सब नहीं रहे, तो ई भी सारा जींस आ गया, जींस टॉप आ गया, छोरियां का भी, छोरियां का भी आ गया, इसमें तो छोरियां का भी खोट से सारे का छोरिया का है, तो फिर छोरिया का गाना है इसमें। अच्छा जी, क्योंकि छोरे धोती कुर्ता छोड़ गए तो छोरी दामन छोड़ गई, इब एक छोरी मिली दीवानू कहती बोली दाम धोती कुर्ता पहन लो दाम दामन भी पहन लेंगे। यो तो धनवान मिल के काम करना पड़ेगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़े बडेरे मर जाएंगे, सूरज छप जावेगा, रे फिर देखियो हरियाणे तै के जावेगा, रे फिर देखियो हरियाणे तै के जावेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये अपने जो 21% बुढ़े रह रहे हैं इन पापा ने पुरानी संस्कृति के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बस ये भी खत्म हो गए, नहीं तो हरियाणा का जमा सत्यानाश हो जाएगा भाई। अपने बीच में सारे संतोष जी हैं जो आप देख सको अपनी संस्कृति से बचाने का कोशिश कर रही हैं, नाटक भी बना कर रहे हैं, और आप जो वेशभूषा आप देख रहे हो अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ी डाल रखी है आप जी, ये भी पुरानी संस्कृति आज डाल रहे हो, तो ये ब्याह हर रोज तो कौन डालते हो गए? हर डोल नहीं डाल
रोज रोज नहीं सॉरी यार तो रोज नहीं डालते, फिर हमारा मन करता है जो डालते हैं हमारे देसी प्रोग्राम हो हम जाना जावा हाँ प्रोग्राम करा हाँ जावा हाँ भाई ये सारा सौदा हमारी या गंठी या मेल है ये जाल रहा है पहले हुआ करता या गंठी है तो यू पहले कुर्ते पैर रख दी दाती अपनी मार पैर रख दी वह है भैया वाल है ठीक है ये तो अमन हदीक लग रहा है हमारा मकड़ी चलकड़े हुआ करते भी आमने का हाँ आजकल हमारे बाल का बिल्कुल नहीं बेरा हरियाणी संस्कृति के है भी के कुर्ता है के दामन है भई हम भी तमने दिखाना चाहो हम भी नहीं होता हमारे बहू आवा वो भी ये पर है मैंने तो बिल्कुल दस करा के इकट्ठे दामन भी चुंदड़ी भी मन तो सारे करा के भाई भी एक खत्म होने लग रहा है इसका तरह पे के कर सका जमा दिखती है नहीं आजकल तो कौन सी चोरी कोई भर दी गई इस खतर भाइयों कर सका हां भी सारी पार हां इकट्ठी होके ने नाचा कुदी करा जिस तरह सामन में गाया करती झूला झूलिया करती फागण में गाया करती पर पर नाचा करती वो अपने छोटे बालकन दिखावांगे तो केरा उनकी भी रुचि हो जावे तो अपना जो तीज त्योहार खत्म हो गया तो यू पे नावा भी खत्म हो गया यू पे नावा खत्म नहीं होने देंगे भाई जीवित रखेंगे आज इतने तैयार हो गए इतने तो जीवित रखोगे अगली पीढ़ी ने तो टेंट करने लग रहे हाँ आज तैयार करने लग रहे छोटी सी बूमर है अच्छा अगली पीढ़ी भी तैयार होने लग रही पीढ़ी तैयार होनी है उस पीढ़ी ने फिर ये तैयार करेंगे संस्कृति खराब नहीं होने देंगे अपने हमारे बच्चों ने हारे पे खुद खीर बनाई है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और खुद बच्चे मेहनत करके अपना आज सेल आउट कर रहे हैं जी बिल्कुल ये ना हमारे बच्चों ने तैयार किया है और फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे बच्चे हैं ये और अभी हमारा डिपार्टमेंट चालू है ठीक है सर जो आप एक हारे का नाम ले रहे थे सर वो क्या है एक बार दर्शकों को बताइए बेसिकली हारा क्या है कि जैसे हमारा टिपिकल हरियाणवी फूड जो हमारा हारे में उपले बना के जो लेडीज पहले हारे में 3-4 घंटे में लगातार बॉइलिंग करके एक फूड बनता था तो हमारा बेसिकली उस फूड के ऊपर ये हमारा फोकस किया गया सर आप इसमें क्या क्या डिश मौजूद रहेगी तो इसमें हरियाणवी खीर रहेगी और मीठी लस्सी नमकीन लस्सी और हमारा राजमा चावल रहेगा और जो इसमें खास बात मैं आपको बता दूं जो खीर बनेगी जो हारे से धुआं निकलता है जो धुआं निकलने के बाद जो अरोमा मिक्स होता है इसमें उसका टेस्ट एक अलग ही रहेगा जो मैं आपको एक इसमें कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ ये वाली सर बताइए बड़े मजे से खा रहे हो सर कैसी लगी नमस्कार जी लस्सी का जो ओरिजिनल गुण होता है ना वो मिट्टी के बर्तन में होता है सबसे बड़ी खास बात इसमें ये है कि ये मिट्टी के बर्तन में तैयार की गई है सर, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसमें देसी खांड मिलाई गई है देसी खांड सर हाँ सर आपका कहने का मतलब मजा आ गया आज तो बस वो इन हरियाणवी आई एम सेम फ्यू वर्ड्स फॉर यू पूरे हो गए बहुत अच्छी है जी बहुत बढ़िया बनाई हुई सर थोड़ा सा हरियाणा में बहुत घनी बढ़िया बना रखी है देखो सर का कहना है बहुत घनी बढ़िया बना रखी है लस्सी मैंने ये ली है अभी खीर 40 रुपए पे करके और जिसका टेस्ट है मतलब मेरी माँ का हाथ का तो थोड़ा कम है मतलब बाकी कर क्या वर्ग है एक नंबर का था भी चको टेस्ट करो एक बार हरियाणवी में एक डायलॉग बोल दीजिए इसके लिए जिससे इनको भी अच्छा लगे और आपको भी मजा आ जाए ब्रदर भाई स्वाद आ गया एक नंबर का लाडले '66 में जब हरियाणा जो है अलग से एक आइडेंटिटी मिली थी हमें एक अलग स्टेट की हमारा जो कल्चर है और हमारा जो ट्रेडिशन है उसको एक अलग पहचान मिली थी तो उसी को इस कड़ी में जो है आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो किए जा रहे हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से जो है अभी रन किया जा रहा है तो सबसे पहले सर आपको और जो पूरा विश्वविद्यालय परिवार है उसको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये पूरा जो है ठीक तरीके से प्रोग्राम हो रहा है ओके धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका जी जी और इसमें केवल मेरा ही नहीं बल्कि सारी यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है टीचिंग नॉन टीचिंग और बच्चे स्पेशली सभी का योगदान है इसको सक्सेस करने में और मेन चीज़ ये है कि जो 66 में हरियाणा उस टाइम बनाया गया था तो हालांकि पंजाब भी था और उसमें हिमाचल भी इससे पहले था लेकिन जितना डेवलपमेंट जितना विकास हरियाणा संस्कृति ने किया है संस्कृति वाइज भी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से सभी उसमें और यदि हम ये कहें कि इंडस्ट्री या औद्योगिक रूप से भी तो जितना विकास हरियाणा ने किया उतना किसी राज्य ने आज तक नहीं किया है जी तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो ये प्रोग्राम इतना बड़ा करवाया गया है इसके पीछे मकसद क्या था हमारा जो यूनिवर्सिटी का हाँ इसमें मकसद ये है कि ये एक राज्य स्तरीय जो है प्रोग्राम है इससे पहले ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो है बनाया जाता है वहाँ पर 4 दिन की रत्नावली होती है तो उसी तरह से हम यहाँ पे हरियाणा उत्सव मनाते हैं मेरा उससे हमारी यूनिवर्सिटी का उससे जो है थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम इसमें प्योर हरियाणवी जो है लिया है जी
प्योर हरियाणवी इसमें भाषा होगी, प्योर हरियाणवी आइटम होंगे और खाना भी आपने कल देखा होगा तो सारा कुछ जो है हरियाणवी उसमें लगाया था। हरियाणवी वाद्य यंत्र या कोई दूसरी चीज़ें जो हमारे होते हैं पहले, वो सारे भी आपको दिखाए गए होंगे कि पहले ये इम्प्लीमेंट थे या इंस्ट्रूमेंट थे या जो भी चीज़ थी, वो सब हरियाणवी का हमने इसमें कोशिश की है कि प्योर हरियाणवी से किया जाए, क्योंकि जींद इज़ द हार्ट ऑफ हरियाणा, इसमें प्योर हरियाणा है ये, तो इसमें हम चाहते हैं कि प्योर जो है शुद्धता हो उसी तरह की जैसे हरियाणा की शुद्धता जींद में है। जी जी बिल्कुल, हमें जी बिल्कुल हमें ऐसी जो सारी चीज़ें, हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उससे रिलेटेड हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आगे जो है यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोग्राम्स कितने करेगी, मतलब क्या योजनाएं हैं भविष्य में यूनिवर्सिटी किसके बारे में? हाँ, अभी इसमें एक दो दिन में जो है जोनल यूथ फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, शायद 7 या 8 का मैटीज में है, उसके बाद एक नरवाना जोन का होगा, एक जो है एजुकेशन कॉलेज जोन का होगा, एक फिर इसके बाद हम इंटर जोनल करेंगे, जो 3 जोन बने हैं वो होंगे, उसमें चौथे में जो चौथी टीम है वो यूटीडी की भी होगी, तो ये सभी जो है मिलकर एक इंटर जोनल जो है इसके बाद किया जाएगा, और फिर हम जो भी उसमें बच्चे फर्स्ट या सेकेंड आएंगे उनको हम एक टीम बनाकर जो है नेशनल लेवल पर भेजेंगे। पिछले साल भी भेजी थी, हालांकि पिछले साल हमें इतनी सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि हमारे वो पहला वर्ष था जी इस महीने में कोई भी नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने का, एक दो बच्चे आए भी थे, बेंगलोर गए थे। इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे वहाँ पे कुछ आइटम नेशनल लेवल पर हम जो है मतलब सक्सेसफुल हो सके। जी, और यूनिवर्सिटी के सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, इन्जॉय भी किया, तो इनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये और कैसे जो अपने पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति हरियाणवी संस्कृति का भोलापन है और सज्जनता है, इन सब चीज़ों के साथ सीखने के साथ साथ इस चीज़ को भी जो है बनाए रखें, एक सभ्यता का परिचय सभी बच्चे दें, और ये एक हम सभी मिलकर जो है सीआरएसयू बना सकते हैं, मैं अकेला या कोई स्टूडेंट अकेले नहीं कर सकते, जब एक टीम वर्क अच्छा होगा तभी जो है हम इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी होगी। जैसे आप देखते होंगे कि 1400 से इस बार इसके बच्चे 1.5 साल मुझे 1 साल 3-4 महीने हुए हैं, तो उस टाइम आया मैं 1400 बच्चे थे, आज इसमें 4000 के करीब बच्चे हैं जी। और लोग भी आ चुकी है, और कोई कोर्स ऐसा नहीं, होटल मैनेजमेंट हो या कोई भी ऐसा कोर्स, अब आपको जो है किसी भी तरह का बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि 1-2 साल में हम जितने भी कोर्सेज बड़ी यूनिवर्सिटी में होते हैं उस तरह के यहाँ पर शुरुआत कर देंगे। जी जी सर, आपका कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से जो है आपको और जो पूरा मैनेजमेंट था इसको एक सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, क्योंकि सब बच्चों के कारण है, आप ही के लिए, आपके भविष्य के लिए जो है सारा किया जा रहा है, और आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होगा तो प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा।